ओहो, ये क्या हो गया है? आईब्रो पूरा ग्रो कर चुका है, इतना लिप भी ड्राई हो रहे हैं दिन बा दिन, और फेस पे तो ग्लो बिल्कुल चला ही गया है। और आँख के चारों ओर तो देखो, ये पूरा डार्क सर्कल तो फैल ही गया है। क्या करूं? आइडिया। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग्स विद अनु। जैसे कि मैं लास्ट वाले वीडियो हैक वाले वीडियो में बताई थी आप लोगों को, मैं लेके आऊँगी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्किन केयर हैक्स जो कि आपको स्पेशली लॉकडाउन के लिए होगा, आपको बहुत ही हेल्प करेगा। जैसे कि लॉकडाउन का असर लोगों के ऊपर दिखे या ना दिखे, मेरे ऊपर तो देखना स्टार्ट हो ही गया है, क्योंकि मेरी आईब्रो बिल्कुल घना हो चुका है, गाल में बहुत ही ड्राइनेस है, आँख के चारों ओर डार्क सर्कल है और मेरे लिप्स भी ड्राई हो रहे हैं। तो अभी तो पार्लर खुला नहीं होगा, पार्लर जब भी खुलेगा बहुत ही ज़्यादा भीड़ होगा, तो आप लोग पार्लर जाने के लिए वेट ना कीजिए और ये सारी जो हैक्स मैं बता रही हूँ आप लोग उसको फॉलो कीजिए, देखना आपका जो काम है बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये लॉकडाउन स्पेशल स्किन केयर हैक्स। पहले जो प्रॉब्लम होता है हर लड़की का वो है आईब्रो। 15 दिन के बाद आईब्रो ऐसे बढ़ता है जैसे कि उसको कोई पानी दे के बढ़ा रहा है, सच है कि नहीं? मेरी तो ऐसे बढ़ चुका है, आपको कैमरा में दिख रहा है या नहीं मुझे पता नहीं, यहाँ तक बढ़ चुका है और उसका शेप बिल्कुल बिगड़ चुका है। और मेरे ओडिया चैनल में भी बहुत सारे सब्सक्राइबर मुझे बोल रहे थे दी अगर आप घर में आईब्रो बना रहे हो तो एक वीडियो बनाओ, यहाँ पे भी रिक्वेस्ट आ रहा था वहाँ पे भी आ रहा था, तो मैं सोची हिंदी में ही बना लेती हूँ, उड़िया लोग हिंदी समझ लेंगे लेकिन हिंदी लोग उड़िया नहीं समझेंगे। तो इसके लिए अगर आप में से कोई उड़िया हो और हिंदी समझने में आपको प्रॉब्लम हो रही है और आप ये वीडियो उड़िया में अगर देखना चाहते हो तो वो भी कमेंट करके बताना, मैं ट्राई करूँगी आगे लाने के लिए। लाने के लिए मतलब फिर नेक्स्ट मंथ जब भी मेरा आईब्रो लंबा घना हो जाएगा तभी बता पाऊंगी, क्योंकि एक ही बार सेव करती हूँ मैं और 1 मंथ तक मेरी चली जाती है, कोई किसी किसी का 15 दिन में भी बढ़ जाता है। तो चलिए मैं क्या करती हूँ, पहले आपको बता दूंगी ऐसी टाइप के जो ब्लेड्स हैं अभी अमेजन में बहुत ही मतलब कम प्राइस में 100 अंडर 100 रुपीज़ में 3 ब्लेड आपको मिल जाएगा जो कि आपको फेशियल हेयर रिमूव और आप आईब्रो सेफ और अपर लिप सेफ मतलब फेस का जो भी हेयर है वो इजीली रिमूव हो जाता है। तो इसको ही यूज करके मैं पूरे फेशियल हेयर रिमूव करती हूँ, मेरे फेस में इतना हेयर नहीं आता है फिर भी मेरी अपर लिप्स मेरी आईब्रो ये सब मैं इसी से करती हूँ और मैं पार्लर नहीं जाती हूँ बिल्कुल। तो चलिए दिखाती हूँ इससे क्या करना है, इससे और दो है ये एक है, तो इसको मैं अभी यूज कर रही हूँ। तो इसको यूज करने अगर आप पहली बार इसको यूज कर रहे हो तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, नहीं तो ये ब्लेड है तो कट जाएगा। तो मैं अभी जो भी बता रही हूँ आप लोगों को, और एक ट्वीज़र चाहिए और एक कैंची जो होता है सीजर जो होता है वो भी चाहिए, क्योंकि हमारा जो आईब्रो है वो बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ चुका है, ग्रो कर चुका है। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा कोई भी पाउडर लेके ना लगा लेंगे। तो पाउडर लगाने से क्या होगा, विजिबल होगा हमारा जो भी हेयर से कहाँ पे है वो विजिबल रहेगा। तो अभी पाउडर लगाने के बाद आप देख ही सकते हो हेयर कितना दिख रहा है यहाँ पे नीचे से। तो इसको क्या करना है, हमें पहले तो हम लोग जो आईब्रो में एक्स्ट्रा ग्रो हुआ है उसको कट करेंगे। और फिर ये जो ब्लेड है हम लोगों को क्या करना है, जिस साइड से हमारा हेयर ग्रोथ हुआ है उसके ऑपोजिट साइड से ही ये ब्लेड को चलाना है ताकि हमारा हेयर जो है सब रिमूव हो जाए। इसको आपको केयरफुली करना है अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, नहीं तो पूरा चला जाएगा, आपका आईब्रो का शेप बिगड़ जाएगा। और अभी आप देख सकते हो बिल्कुल क्लियर हो चुका है मेरे नीचे की साइड। आपको ऐसी तरह करना है और केयरफुली करना है ताकि आपका जो आईब्रो का शेप है वो बिगड़ ना जाए।
और अभी आप लोग डिफरेंस देख सकते हो, ये वाले जो आईब्रो है और ये वाले आईब्रो में कितना डिफरेंस है, आपको मैं पास से दिखाती हूँ। ये बिल्कुल सेव होने की तरह दिख रहा है और ये बिल्कुल मतलब घना हो गया है। तो इसी तरह मैं बहुत ही इजीली कर सकती हूँ। और ये जो है ना, ये ब्लेड अमेजन से आप परचेज कर सकते हो बहुत ही कम प्राइस में। मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, जब भी कोरोना चला जाएगा आप लोग खरीद लेना। 100 रुपीज़ अंडर आपको 3 मिल रहा है और ये काफ़ी दिनों तक चलता है। और इसके साथ कवर भी है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि इन्फेक्शन वगैरह हो जाएगा। ये कवर लगा के आपको रखना है। और इसके साथ ये सीजर भी आपको 20 रुपीज़ में मिल जाएगा कहीं भी लोकल शॉप में। और ट्वीज़र तो हर लड़की के पास अवेलेबल होता ही। मुझे अभी ट्वीज़र की कुछ ज़रूरत ही नहीं पड़ा, और किसी किसी का इधर तक हेयर आ जाता है तो आपको ट्वीज़र से उसको निकाल। और मेरी दोनों आईब्रो सेव हो चुका है। अभी आप लोग देख सकते हो कितना डिफरेंस है पहले का और अब का। तो ऐसे ही मैं करती हूँ आईब्रो सेव, और स्पेशली ये लॉकडाउन पीरियड के लिए ये काफ़ी अच्छा है। अगर आपके पास ये वाला जो ब्लेड अवेलेबल नहीं है, आप कोई भी ब्लेड से कर सकते हैं। नया वाला ब्लेड ले लीजिए अगर आपके घर में अवेलेबल है, तो उससे आप केयरफुली करना है। लेकिन ये भी बहुत ही शार्प है, इससे आप केयरफुली धीरे धीरे चलाओगे तभी ही आपका सेफ हो पाएगा। नहीं तो फर्स्ट टाइम जब भी मैं कर रही थी, मेरी थोड़ा सा यहाँ पर लग गया था, लेकिन इतना ज़ोरों से नहीं लगा था। और इससे ही आप अपने अपर लिप भी कर सकते हो, अपने फेशियल हेयर कहाँ पे भी हेयर है उसे भी रिमूव कर सकते हो। मेरे पास अभी मेरी अपर लिप में इतना हेयर नहीं है, फिर भी मैं रिमूव करके दिखाती हूँ आपको कैसे करती हूँ। बस आपको अपर लिप को क्या करना है, ऐसे करना है, तो अभी देख सकते हो मेरे फेस कितना क्लीन लग रहा है, बिल्कुल हेयर फ्री, और बहुत अच्छा मुझे फील हो रहा है अभी। नहीं तो बिल्कुल लग रही थी कैसी, पता नहीं। आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए मैं अभी तक वेट की थी, नहीं तो मैं पहले से कर चुकी। और मेरी अपर लिप आईब्रो इजीली रिमूव हो गया, पार्लर भी जाना नहीं पड़ा। और कभी भी कहीं भी हम लोगों को ज़रूरत पड़ सकता है ये सारी चीज़ों का, तो मस्ट हैव ये चीज़ आप लोगों के पास होना ही चाहिए। तो ये तो हो गया हमारा फेशियल हेयर रिमूव के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर लड़की के लिए। नेक्स्ट जो है हमारा जो बॉडी का हेयर ग्रोथ, जैसे कि हमारा अंडर आर्म्स, हमारे जो हैंड लेग ये वगैरह में भी हेयर हम लोग वैक्स नहीं कर पाते हैं। और जिन लोगों के पास वैक्स है या वैक्स स्ट्रिप्स है, उन लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, वो तो कर सकते हैं। लेकिन जो लोगों के पास वैक्स नहीं है, ख़त्म हो गया है, वैक्स स्ट्रिप्स भी नहीं है, या वो लोग पार्लर जाके कराते हैं, अभी तो नहीं जा सकते, उनके लिए एक हैक बताऊंगी। हम लोग घर में बनाएंगे हेयर वैक्स, जो कि 100% नेचुरल होगा, हेयर रिमूव के साथ हमारे हेयर में हेयर को मतलब हमारे बॉडी को रिजुविनेट करेगा, और एक नेचुरल सा ग्लो भी देगा हमारे हैंड और लेग को। तो चलिए उसको बनाना सिखाती हूँ आप लोगों को, वो नेचुरल हेयर वैक्स। एंड उसके साथ स्ट्रिप भी मैं घर में ही बनाऊंगी कपड़ा से, कोई भी कॉटन का कपड़ा आप ले सकते हो। तो चलिए दिखाती हूँ, फिर उसके बाद नेक्स्ट टिप में जाते हैं। तो अभी मैं बताऊंगी आप लोगों की घर में आप लोग कैसे बना सकते हो स्ट्रिप्स, जो जैसे कि हम लोग करेंगे वैक्स। तो इसके लिए मैं मेरे एक पुराना जीन्स को उठा के लेके आई हूँ, आप कोई भी कॉटन का कपड़ा भी ले सकते हो। तो दिखाती हूँ आप लोगों को अभी। तो ये रेडी हो गया हमारा स्ट्रिप्स, अभी बनाएंगे हम लोग वैक्स और फिर करेंगे वैक्स इन घर में बिना पैसों का। घर में शुगर और हनी का वैक्स बनाने के लिए मैं यहाँ पे एक पैन ली हूँ। पैन में 2 कप लेना है शुगर, ज़्यादा बड़ा बड़ा साइज़ का शुगर नहीं है, मीडियम साइज़ का शुगर लेना है। और इसमें 3/4 कप लेना है हमारा हनी, या 2 टेबलस्पून लेना है हनी। उसके साथ ऐड करेंगे 1 कप वाटर एंड 1 फुल लेमन का जूस ऐड कर देना है, और इसे मिक्स करके गैस में बिठा देना है लो फ्लेम में। और इसे गैस में लो फ्लेम में बिठा के इसे कंटिन्यूसली चलाते जाना है। आपका 5 से 7 मिनट में ये थोड़ा सा थिक कंसिस्टेंसी में आ जाएगा।
और यहाँ पे आप देख सकते हो 5 से 7 मिनट हो चुका है, झाज जैसा निकल रहा है और इसका कंसिस्टेंसी थोड़ा सा मोटा हुआ है, ज़्यादा मोटा नहीं हुआ है। इसको हम लोग अभी ठंडा होने के लिए रख देंगे, ज़्यादा ठंडा नहीं करना है हम लोगों को, हल्का सा गर्म होगा तभी हम लोग इसको यूज करेंगे, नहीं तो ये मतलब हेयर को रिमूव करने में बहुत तकलीफ हो सकता है। तो इसको अभी हम लोग थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, जितने की हम लोग सह सकते हैं। ये जो वैक्स है शुगर हनी का वैक्स बिल्कुल अभी रेडी है और इसको पूरा ठंडा करना नहीं है, ये गुनगुना होगा जैसे ही थोड़ा सा गर्म होगा उससे ही हम लोगों को फूंक फूंक मार के लगाना है, नहीं तो इसका जो कंसिस्टेंसी है वो बदल जाएगा, आप लगा ही नहीं पाओगे। मैं एक स्पून नहीं हूँ, स्पून का जो पीछे की साइड में ही मैं अप्लाई करके आपको दिखाऊंगी। घर में कर सकते हो, ऐसे अंडर आर्म्स में भी कर सकते हो, आपको हैंड में भी कर सकते हो, लेग में भी कर सकते हो, कहीं पे भी कर सकते हो। और ये जो हेयर वैक्स हम लोग बनाए हैं इसको कोई भी कांच के कंटेनर में स्टोर करके फ्रिज में भी 15 दिन तक रख सकते हो, कभी भी ज़रूरत पड़ेगा तो उसको माइक्रोवेव करके या गर्म करके उस यही कंसिस्टेंसी में फिर से आ जाएगा वो गर्म करने से, और आप यूज कर सकते हो। बहुत ही ईजी प्रोसेस है और आई होप आपको अच्छा लगा होगा, या पहले से आप लोग कर रहे होंगे तो बताना कमेंट करके, और फिर मैं एक गीला सा टॉवल लेके इसको पोंछ दूंगी। तो आप लोग ये सोच रहे हो ना कि अनु सब तो बता दी, अब फेस के लिए भी कुछ बता दो, आईज डार्क सर्कल के लिए भी कुछ बता दो, तो बता ही देती हूँ लेकिन आप लोग लाइक कर देना, ठीक है? तो चलिए दिखाती हूँ। तो ये फेस के लिए फेस पैक बनाने के लिए मैं यहाँ पे 1.5 टेबल स्पून बेसन ली हूँ, यानी कि ग्राम फ्लोर जो बोलते हैं बेसन से ली हूँ, और यहाँ पे ली हूँ मैं कस्तूरी हल्दी, जो कि खाने में यूज़ नहीं होता है, फेस के लिए होता है। खाने में यूज होने वाला हल्दी यूज करने से मुंह में एक येलो कलर का कास्ट छोड़ देता है इसीलिए। और यहाँ पे मैं 1 टीस्पून ली हूँ एलोवेरा जेल और 1 टेबल स्पून ली हूँ टमाटो का रस, उसको मिक्स कर देना है। तो ये बन गया है हमारा मिरेकल फेस मास्क, जो कि आपके फेस का प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेगा, उसके साथ आईज एरिया में भी इसको आप लगा सकते हो, क्योंकि इसमें हम लोग टमाटर का रस आप ऐड किए हैं, एलोवेरा जेल ऐड किए हैं, जो कि अगेन आईज के लिए बहुत अच्छा होता है। और ज़्यादातर फेस पैक मैं आपको मना करती हूँ कि आईज एरिया में नहीं लगाना है, क्योंकि आईज एरिया सेंसिटिव होता है, लेकिन ये पैक को आप लगा सकते हो, और सिर्फ आज नहीं आप हर टाइम यूज़ कर सकते हो। अगर आपसे होता है तो वीकली 2-3 टाइम्स यूज करो, फिर आपका फेस और डार्क सर्कल सब कुछ ठीक हो जाएगा, पार्लर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। तो ये जो फेस मास्क है सिर्फ आप फेस में नहीं, हैंड में भी लगा सकते हो, अगर आपके पास थोड़ा सा बच जाता है तो आप हैंड में लगा के नहा लो, नहाते टाइम नेक्स्ट डे रख लो, अगर आज नहा चुके हो तो नेक्स्ट डे आप इसको लगा के अच्छे से स्क्रब करते करते नहा लेना, तो आपके हैंड में भी बहुत चमक आ जाएगा। चलो इसको अभी 15 मिनट के लिए सूखने के लिए छोड़ देते हैं, पूरा सूखना नहीं देना है,
बिल्कुल हार्ड जैसा सूखना नहीं देना है, आपको हल्का सा इसको सूखने देना है ताकि आप इसको रगड़ते रगड़ते निकाल सको, आपके फेस में जो डेड स्किन सेल है उसको भी निकाल सको इसके साथ, उसी टाइप का ही आपको ड्राई देना है। चलिए 10 मिनट के बाद मिलती है। तो अभी आप देख ही सकते हो फेस में कितना अच्छा सा एक ग्लो आया है और फेस बहुत ही क्लीन और काम फील होगा आपको। तो ट्राई करो ये वाला जो फेस पैक मैं बताई, ये मेरी ऑल टाइम फेवरेट फेस पैक है, जो कि कभी भी मेरे फेस अगर मुझे डल लगता है या ड्राई लगता है तो मैं ये वाला फेस पैक ट्राई करती हूँ। इसमें टमाटर है, टमाटर का गुण भी है और बेसन तो आपको पता ही है हमारी स्किन में टैन हटाने में बहुत हेल्प करता है, और हल्दी में है एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी जो कि हमारे फेस को रिजुविनेट करता है, उसके साथ जो भी पिंपल का प्रॉब्लम है उसको भी सॉल्व करता है। तो नेक्स्ट बाकी रह गया हमारे लिप्स का, जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे फेस में। तो सब तो बता ही दी हूँ, आप लोग लाइक भी कर चुके होंगे, अभी तक नहीं किया हो क्या तो जल्दी से लाइक कर दो, और चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अभी बताती हूँ मैं लिप्स का इंस्टेंट फॉर्मूला, जिससे कि हमारे लिप फटना बंद हो जाएगा, उसके साथ जो डेड स्किन सेल है हमारे लिप्स में उसको भी आप भगा सकते हो और अपने लिप को पिंक लिप्स बना सकते हो। तो इसके लिए कुछ नहीं, आपके पास लिप बाम तो होगा ही, हर लड़की के पास लिप बाम तो होता ही है, कोई भी ब्रांड का लिप बाम लो। मैं यहाँ पे ऑर्गेनिक हार्वेस्ट का लिप बाम ली हूँ, और जो भी ब्रश से आप ब्रश करते हो या पहले से ब्रश करते हो, आप इसको यूज़ नहीं कर रहे हो, उसको अच्छे से क्लीन करके ले आओ। मैं ये ब्रश कर रही हूँ अभी तो उसको क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसको आप अपने, अगर आपके पास लिप स्क्रब नहीं है तो ये उपाय आप कर सकते हो। तो इसमें देखिए मैं ले ली हूँ थोड़ा सा क्वांटिटी में लिप बाम ले ली हूँ, और फिर क्या करेंगे इससे हमारे लिप को ब्रश करेंगे, दांत को नहीं, लिप को ब्रश करना है। और आप 2 मिनट तक ऐसे आपको स्क्रब करते जाना है ब्रश से, और सॉफ्ट ब्रश लेना है, हार्ड वाला नहीं लेना है, लेकिन तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और लिप में आपका जो भी डेड स्किन सेल है आपको दिखाती हूँ, मेरी लिप में बिल्कुल पता नहीं चल रहा था फिर भी निकला है, देखिए डेड स्किन सेल निकला है, और आपके ब्रश में भी बहुत से डेड स्किन सेल निकला होगा, और वही डेड स्किन सेल से हमारे ओट का जो कलर है धीरे धीरे डार्क होने लगता है, लिप का जो पिंकिश कलर वो छुप जाता है, इसके साथ हमारे लिप को ड्राई भी होता है। तो अगर आप वीकली ऐसे करोगे ना, 2 टाइम्स अगर आपके पास वीकली टाइम है तो कर सकते हो, नहीं तो आप हनी और शुगर को मिक्स करके भी डेली कर सकते हो ब्रश के साथ। मैं वीकली 2 टाइम्स ऐसे ही कर लेती हूँ अगर आपके पास लिप स्क्रब नहीं है। मेरे पास लिप स्क्रब है उससे मैं करती हूँ, लेकिन जिन लोगों के पास अभी नहीं है कोरोना के टाइम में, उसके लिए मैं ये लिप बम वाला हैक्स बताई हूँ। तो ये देखिए बहुत से डेड स्किन सेल में निकल चुका है और मेरी लिप बहुत ही हल्का फील हो रहा है। हम देख सकते हो कलर भी कितना मतलब इंस्टेंटली कितना ब्राइट आ गया है। लिप में आपको बहुत हल्का फील होगा, ये जरूर ट्राई करना ये वाला जो हैक है। और लास्ट वाला जो हैक है वो जेट रोलर के साथ मैं आपको बताती हूँ। अभी समर का सीज़न चल रहा है और हमारे फेस में ज़्यादा मतलब गर्मी के वजह से फेस में जो ड्राइनेस है उसको भगाने के लिए बहुत ही इजी सा ट्रिक मैं बताऊंगी, जो कि मैं हमेशा फॉलो करती हूँ, आपके डार्क सर्कल के लिए भी काम देगा, अपने फेस को ग्लो देने के लिए भी काम देगा। जैसे कि जेट रोलर सबके पास अवेलेबल होता है, जिसके पास नहीं है मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, आप कोरोना के बाद खरीद लेना। अगर ये नहीं है, आप कोई भी मसाजर आपके पास अगर है, 5 मिनट के लिए फ्रीजर में रख दीजिए। मैं फ्रीजर में रख दी थी तो देख सकते हो अच्छे से ठंडा हो गया है। तो आप इसको नॉर्मली फेस में सिर्फ मसाज करना है, इससे बहुत ही कामनेस फील होता है, रिफ्रेश फील होता है। और जेट रोलर से आप अगर हर दिन ऐसे फ्रीज में रख के 2 टाइम करोगे मसाज, तो आपका जो फेस में जो ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता है, तो हर दिन अगर आप 2 टाइम ये वाला जो ट्रिक है उसको फॉलो करोगे, आपके फेस में जो ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता है उसके वजह से ग्लो नहीं आ पाता है, इजी हो जाएगा ब्लड सर्कुलेशन होने में। और इसके जो अदर साइड है आईज़ मसाज के लिए, और आईज़ में भी आपका जो पफिनेस है, आईज़ के डार्क सर्कल है, ऐसे अगर फ्रिज में रख के आप जेट रोलर को ऐसे दिन में दो बार आप इसको मसाज करोगे, तो ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होने के साथ साथ ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होने के साथ साथ आपके जो आईज़ के चारों ओर डार्क सर्कल है ना,
वो भी रिमूव हो जाएगा और आपके फेस में उसके साथ आईज में भी एक रिफ्रेशमेंट फील होगा जो कि आप खुद ही फील करोगे। अगर करोगे, मैं कहूँगी तो आप फील नहीं करोगे। तो ऐसे में हर दिन फ्रिज में 5 मिनट रख के जेट रोलर को मैं अपनी फेस में मसाज करती हूँ। इससे फेस में जो है बहुत ही रिफ्रेश फील होता है और ब्लड सर्कुलेशन भी हाई होता है। बस आपको ऐसे ही अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन में इसको चलाना है, कोई बात नहीं। आप कोई भी काम करते करते, टीवी देखते देखते या बुक पढ़ते पढ़ते आप ये काम को कर सकते हो, लेकिन बहुत फ़ायदा देता है। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा जो लॉकडाउन का स्किन केयर हैक्स। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। अगर आया है, अभी तक लाइक नहीं किए हो, लाइक कर दो। और ऐसे कोई हैक अगर आपको देखना है, कमेंट करके बता सकते हो, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हो ताकि उनको भी हेल्प हो। तो चलिए मिलते हैं नया वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।